से ये खबर है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों के मुद्दे पर बैठक की और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमलों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से बात की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती की भी जानकारी ली है और बैठक के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में 3 दिन टेरर अटैक, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इस मीटिंग से संबंधित और क्या जानकारी, क्या बड़े फैसले लिए गए या क्या निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए? देखिये, प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली है, एनएसए ने उनको ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री ने फिर गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर जेएनके के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनसे ही बात की। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, उसने एनकाउंटर से संबंधित और जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काउंटर टेररिज्म का जितने भी हमारे साधन है सबको एक्टिवेट करके इसे नुलिफाइड करना ही होगा। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है हमें और किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 4 दिन में 4 हमले हुए और पीएम मोदी ने बैठक ली। बैठक में अजीत डोभाल भी एनएसए मौजूद थे, इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और ताजा हालात के बारे में जम्मू कश्मीर के इन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। और अभी इस वक्त आपको बता दें कि पूरी घाटी को घेर करके सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है और बीते 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए। आतंकी हमलों पर पीएम मोदी की बैठक, बैठक के भीतर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ताजा इस वक्त क्या वहां पर एक्शन है, क्या अपडेट है, उन्होंने जानकारी ली आतंकी हमलों के बाद पीएम की ये बड़ी बैठक। आपको बता दें इसी तरीके की बैठक हुई थी। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद और एलजी भी मौजूद थे। पीएम ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर उन सभी से चर्चा की है और आगे कितनी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, सर्च ऑपरेशन घाटी में कैसे चलाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों का जिक्र किया और इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में हालात है उससे अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को, जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर जानकारी दी गई है। मोदी की ये समीक्षा बैठक, सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है। इटली के लिए आज रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री, उससे पहले ये मीटिंग इन्होंने आज की है। और जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 आतंकी हमले लगातार हुए थे तो उन आतंकी हमलों को लेकर के जानकारी मुहैया कराई गई, क्योंकि जो आतंकी पकड़े गए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उनके पास से जो सामान जब्त किए गए थे, खाने पीने की जो चीजें थी वो पाकिस्तान द्वारा निर्मित थी, पाकिस्तान में बनी हुई वो चीजें थी जो बरामद हुई थी। उसके बाद जाकर के पाकिस्तान एक बार फिर नापाक हुआ। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी दी गई है। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की। रविंद्र लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब आगे एक्शन क्या, क्योंकि एक तरफ सरकार का गठन हुआ उसी के तुरंत बाद बैक टू बैक 4 दिनों तक आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 जून से और उसके पहले ऐसे आतंकी हमले, दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश लोगों में। अब बिल्कुल देखिए, नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और चुनौती दिख रही, क्योंकि लगातार वहां पर टेरर अटैक हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। हालांकि हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से उनका मुकाबला भी कर रहे हैं, उनको कई जो आतंकवादी हैं उन्हें मार भी गिराया गया है। लेकिन जिस तरह से श्रीनगर में और पूरे श्रीनगर रीजन में हमारे जो सैनिक हैं उनका दबाव बढ़ता जा रहा था और ऐसे में सीमा पार से ISI द्वारा जम्मू रीजन में एक तरह से आतंकवादियों को भेजकर यहाँ पर अड्डा बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका जवाब दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरी रिव्यू की, निर्देश दिया कि पूरे सीमा पर चौकसी बरती जाए और एक भी आतंकवादी सीमा पार से नहीं घुसना चाहिए, जो भी आए उसे उसको खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं काउंटर टेररिज्म के जितने भी एक्टिविटी है उसको उन्होंने कहा कि उसका इस्तेमाल हो, उसे एक्टिवेट किया जाए। और हर बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर में 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, BSF है, आर्मी है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। अब इस पूरी डिटेल्स प्रधानमंत्री ने मांगी है कि कितने सुरक्षा बलों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर कितने तैनात है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो घाटी में इस वक्त जो हालात है उससे अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को।